नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके आरोप गंभीर हैं, लेकिन पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अब उन्होंने हाईकोर्ट जाने की तैयारी की है। परमवीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने इस मामले में संबंधित विभाग को पक्ष क्यों नहीं बनाया। अब परमवीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन लगाएंगे, उनके वकील आज ही अर्जी दायर कर देंगे। उधर महाराष्ट्र सरकार भी परमवीर सिंह के आरोपों की न्यायिक जाँच करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई की जांच की मांग की थी। परमवीर ने अपना ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में किए जाने के मामले को भी चुनौती दी है और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह आदेश अवैध है, इसकी अधिसूचना कैंसिल की जानी चाहिए। जो उनके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त करके उसकी जांच करवाने की मांग की गई है। परमवीर सिंह ने कहा है कि अगर उनके आरोपों की जांच जल्दी नहीं हुई तो हो सकता है कि अनिल देशमुख सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय कर दें, मिटा दें और सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट कर देंगे। अनिल देशमुख ने फरवरी में अपने आवास पे कई मीटिंग्स की और मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर सचिन वजे भी इसमें शामिल हुए थे। उस दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वजे को होटल बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। 24 और 25 अगस्त 2020 को राज्य खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को अनिल देशमुख की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग में किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। डीजीपी ने यह भी जानकारी गृह मंत्रालय में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दी कि ये जानकारियां टेलीफोन पे हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर जुटाई गई थी। इस पर अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे रश्मि शुक्ला का ही तबादला कर दिया गया। और मैं आपको बताती हूँ कि परमवीर सिंह क्यों नाराज हैं महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटा करके होमगार्ड डिपार्टमेंट में डीजी बनाया है। उन पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को प्रोटेक्शन देने का आरोप है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक छड़े मिलने के मामले में वजे को गिरफ्तार किया हुआ है, वो इस समय अंडर अरेस्ट है। परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने से नाराज हैं और उन्होंने अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उगाही का आरोप लगाया है। तो ये थी सारी बात। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं और भी जो अपडेट होंगे, क्योंकि ये जो मामला एंटीरिया वाला हुआ है इसके बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं और हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा चैनल एमबी स्पीक्स देखते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।